have found Black Panther. नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो मेरा नाम है जय, और जैसे कि आप देख सकते हैं आज हम फिर से माइनक्राफ्ट की दुनिया में हैं। और आज पता है मुझे एक खबर मिली है कि आज जो है जोनसी बहुत ही मोस्टली रिक्वेस्टेड जो वीडियो थी गाइस वो आज आएगी। तो ये है भाई ब्लैक पैंथर, और हम हैं एक अनोखे विलेज के पास जहां पे हमारा एक चैलेंज भी जो है पड़ा हुआ है एज ऑलवेज। तो गाइस इसमें लिखा है फाइंड ब्लैक पैंथर एंड एक्सपेरिमेंट, ट्राई किलिंग एज मैनी मॉब्स। अरे यार इतना बड़ा चैलेंज नहीं दिया, तो इसमें लिखा हुआ है कि भाई मेक विलेजर्स लाइफ हेल। तो मतलब कि भाई ब्लैक पैंथर के जो से नाखून है ना उनको यूज करके इनको खूब पिंजे मारते हैं यार। ओके तो गाइस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले तो गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और लाइक भी ठोक दो यार। मेरा एम है कि भाई इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स आने चाहिए, तो गाइस आपकी सपोर्ट की वजह से ये पॉसिबल होगा। तो लेट्स फाइंड दी क्या नाम है ब्लैक पैंथर। तो पहली बात तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको तोड़ देता हूँ, और मेरे पास एक्चुअली कोई भी पिकैक्स वगैरह कोई भी टूल नहीं है, बिकॉज ब्लैक पैंथर इतना पावरफुल है कि मुझे टूल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ है, ना ही मुझे कोई केव वगैरह दिख रही है, और मैंने भाई अपने बैकअप के लिए पोटैटोज ले लिए हैं। तो गाइस लेट्स गेट इन यार। मतलब कि ये विलेजर पता है बड़े ही बेकार बंदे हैं, इनको पता है जितना भी खिलाओ जितना भी पिलाओ यार ये पता है मानते नहीं। देख अभी मैंने पोटैटो फेंका, ये रिश्वत साला लेगा नहीं। देखा इसने अभी तक उठाई नहीं रिश्वत, साले भाग यहाँ से, मर जा। ओके तो गाइस मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आसपास कहीं ना कहीं होगा। एक मिनट इनके घरों में चेक कर लेते हैं। ए ऊपर से व्यू देखते हैं, ऊपर से तो व्यू नज़ारे ठीक हैं, लेकिन ब्लैक पैंथर का कोई व्यू नहीं है। ओके तो इन पानी के बीच में भी नहीं है, एंड इधर भी नहीं है, एंड इधर भी नहीं है, और इस रूम का कमरा इस कमरे का जो दरवाज़ा था वो बंद था। ओके इसमें भी चेक कर लिया, इसमें भी चेक कर लिया, और इसमें भी मैंने चेक कर लिया। अबे यार इन्होंने छुपाया तो छुपाया कहाँ पे है यार, कौन से अंडरग्राउंड इन्होंने केव खोदी हुई है भाई, ये कौन सी केव है यार कि इन्होंने खोदी हुई है। एक मिनट एक काम करता हूँ गाइस, जहाँ पे भी खोदी है ना मैं यहाँ पे एक अपना ना अपनी पिकैक्स एक बना लेता हूँ गाइस। अपनी पिकैक्स पता है अपनी पिकैक्स होती है, मतलब कि जब मर्जी चाहो मैं स्टोन वगैरह तोड़ सकता हूँ, एंड आई बिलीव कि यहाँ पे वाइडली स्टोन ही यूज हुए पड़े हैं। सो व्हाट आई एम गोना डू इज जस्ट मेक अ लॉट ऑफ वुड, और एक काम करते हैं कि ये हो गया। ओके तो गाइस हमारी प्यारी सी पिकैक्स बन चुकी है और हम कुछ भी कर सकते हैं इससे। ओके तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ सस्पिशियस चीज़ें जो हैं उनको स्पॉट करना चाहिए, जैसे कि एक मिनट यहाँ पे तो ये एंड हो गया। एक मिनट पानी के पास तो नहीं है यार, ये पानी के अंदर जाके देखते हैं। ओ वेट यहाँ पे तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा दूर दूर से। ए ऑक्टोपस अपनी इंक तो दियो ज़रा यार, मुझे अपना मुँह काला करना है क्योंकि मुझे ब्लैक पैंथर बनना है यार। ऑलराइट तो यहाँ पे भी नहीं है, एंड वेल में भी नहीं है, और आई एक्चुअली डोंट नो मतलब कि भाई कहाँ पर हो सकती है यार ये। एक मिनट मेरे पास आइडिया है। एक मिनट यहाँ पे कोई केव वगैरह तो नहीं है, केव वगैरह देखते हैं यार यहाँ पे कोई अगर हो तो। वेट लुक फॉर समथिंग सस्पिशियस, इन्होंने पीछे विलेज के पीछे तो कोई वॉल नहीं बनाई हुई। अबे पीछे एक मिनट पीछे तो कोई वॉल इन्होंने बनाई नहीं यार विलेज के पीछे, तो ये हो क्या सकता है, ये हो क्या सकता है यार। एक मिनट व्हाट वेट मैं इस साइड पे पानी के अंदर जाता हूँ यार। दिस वाज रियली अ स्ट्रगल यार, मतलब कि कितना, अबे यार एक तो कितना खाऊं मैं, सारे के सारे पोटैटोज मेरे ख़त्म हो गए यार, कितना खाऊं मैं। ओके तो गाइज ये मतलब कि यहाँ पे भी एक मिनट ये स्टोन्स यहाँ पर क्यों हैं। ओके तो ये तो नॉर्मल ही है यार, मतलब कि इस पानी के अंदर भी नहीं ही होगी, क्योंकि अगर पानी के अंदर हो तो ये मुझे बता देते हैं बुक में कि लुक इनटू वाटर लुक इनटू ग्राउंड, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, और मुझे लगता है इसी में ही गड़बड़ है यार इस लाइन में। एक मिनट ये लाइन किस ओर की बनी है, ये लाइन है ग्रेवल की, हाँ ये लाइन है ग्रेवल की,
लेकिन यहाँ पे स्टोन क्यों है? अब मुझे समझ आई ना बात गाइस, आई थिंक ओ माय गॉड मैं राइट ही था यार, मतलब कि भाई मैं कितना जीनियस हूं यार। ओके आई फाउंड ब्लैक पैंथर यार, मतलब कि भाई अबे स्पॉन हो गए यार, भागो यार यहाँ पे, अबे दो पिगमन मैंने स्पॉन कर दिए भाई। अबे ब्लैक पैंथर का ये दे दे मुझे, अबे ब्लैक पैंथर का ये दे दो मुझे। ओ माय गॉड पहन लिया ब्लैक पैंथर, पहन लिया मैंने। ओके ब्लैक पैंथर पहन लिया गाइस, आई जस्ट बिकेम ब्लैक पैंथर। यार एक मिनट मैं अपने इनको पता है ऐसे मारता हूँ। वो 12 टोकन मिले, अबे मार डाला यार। अबे यार तेरे ऊपर लाना था ब्लैक पैंथर यार, ये क्या हो गया तेरे ऊपर? एक मिनट इसके अंदर क्या है? ओ माय गॉड गाइस दैट इज गुड, मुझे गोल्डन एप्पल दिए हुए हैं। ओके तो फटाफट से हम ऊपर चलते हैं और वो 8 दो पिगमेंट्स को मारते हैं, क्योंकि भाई उन्होंने एक मिनट ये भागे, अभी इसको मार के देखते। वो पड़ी साले को पड़ी, क्या बात है। ओके एक काम करते हैं कि ये एम्प्टी रखते हैं, क्योंकि अगर ये मैं एम्प्टी रखूंगा तभी इसके दो हाथ यूज होंगे। वो ओके तो गाइज ये ब्लेड जैसे कि फेंक रहा है, मुझे दो पिगमेंट्स चाहिए। वो साले कहां पर गए? आई थिंक मैं उन्हें मार चुका हूं, आई थिंक आई किल्ड देम, यस तभी मुझे गोल्डन नगेट भी मिला, तो इसलिए। ओके गाइस तो जैसे कि हम ब्लैक पैंथर बन चुके हैं और इसकी पावर जो है हम एक्सप्लोरेशन करेंगे। ओके ये करता क्या है? व्हाट हैपेंस, व्हाट इज इट? अच्छा समझ गया, इसके नाखून अब तेज हो गए। देखा, इसके अगर नाखून से एक बंदा भी सामने आ गया ना, तो गाइस इन विलेजर्स की जो है मुझे लाइफ जो है ना वो डिस्ट्रॉय करनी है, समझ लो, और वो होगी ऐसे। तो गाइस मैंने सारे के सारे शीशे वगैरह तोड़ दिए और भाई इन विलेजर्स को भी मैंने मार दिया यार, मतलब कि गाइस मैं कुछ ज्यादा ही जीनियस हूं। एक मिनट मैं पता है दोनों, एक मिनट वो अभी मेरे पास शील्ड भी है गाइस, आई ऑल्सो हैव अ शील्ड, तो मतलब कि मुझे कोई भी नहीं मार सकता अगर मेरे पास शील्ड है भाई। और यार ये तो जीनियस चीजें होगी यार मेरे साथ। ओके मैं काम करता हूँ कि अपने ये नाखूनों के पंजों के साथ ये अपनी फटाफट से मैंने जो है छलांग मार ली। ओके ये एक ही बारी में ये होता है मजा नॉकबैक के साथ। तो गाय बहन भाई एक ही बारी में गई यार। ओके तो एक काम करते गाइस, एक मिनट इसकी एक और पावर भी तो है यार, मुझे टेस्ट करनी है एक और पावर है इसकी। वैसे ये पता नहीं कैसे होती थी। ओके ये शील्ड हो गई और ये भी हो गई एक्स। ओ अच्छा सारी की सारी पावर्स हो चुकी है। तो गाइज नाउ दिस इज द टाइम टू एक्चुअली स्पॉन, कुछ ना कुछ तो स्पॉन करते हैं यार, मतलब कि पहले काम करते हैं कि 25 जॉम्बीज ही स्पॉन। एक मिनट 25 नहीं, वो भाई इजी यार। ओके तो गाइस इजी, अबे यार ये कितना मस्त था यार, कितना अच्छा धमाका किया यार मैंने, मतलब कि भाई ज़ॉम्बीज तो बिल्कुल गए, एक्चुअली में गए। ओके तो गाइस अभी बारी है और ज़ॉम्बीज की, और एक्चुअली मैं वेट कर रहा हूं ताकि रात हो जाए, क्योंकि फिर रात में भाई इजी रहता है भाई ज़ॉम्बीज को मारना। और इन सबको जो है मैंने अभी स्पॉन कर लिया और ये एक्चुअली मुझे कुछ नहीं कह सकेंगे, और एक ही बारी में। अबे मेरे नाखून, अबे सब्र रखो, मैं दोनों उससे मारूंगा भाई। अबे मेरे जो वो मैंने मार रहा हूँ शील्ड्स मार रहा हूँ यार, वो कहाँ गई पिन्ने? एक मिनट सब्र रखो, एक मिनट आ गया, एक मिनट मुझे आयरन दिया इन्होंने। ओके तो गाइस मुझे आयरन दिया। ओके मेरे नाखून कहाँ पर है? एक मिनट नाखून मेरे ये रहे एक में ए गया, ये भी गया। ओके तो गाइस मतलब कि ये बहुत ही ईजी था, मतलब कि मारना ब्लैक पैंथर तो ऑब्वियसली इमोर्टल है यार, उसे कुछ कह नहीं सकते। तो गाइस ये चीज़ मैं जो है शूट कर रहा हूँ माइनक्राफ्ट में, अगर आपको इसका नाम पता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि इसका नाम क्या है। और मैं इनके रॉटन तो मुझे नहीं चाहिए, अब बारी है भाई। मैं पता है वो क्रीपर तो मैं भूल ही गया था, एक मिनट मैं क्रीपर के साथ पता है अपना भी धमाका करता हूँ। क्रीपर कहाँ है? क्रीपर
तेरा पता है, तेरा एरो भी नहीं निकलेगा, पता है रिवर्स में जा रहा है। गाइज दिस इज माइनक्राफ्ट बट एवरीथिंग इज रिवर्स्ड। ओके तो गाइज अभी हम चलते हैं स्केल। एक मिनट, पहले मुझे क्रीपर ढूंढना है यार, मुझे क्रीपर ढूंढ के उसे मारना है। अबे यार तुम्हारी तो मैं ये बिल्कुल तुम्हारी सारी की सारी रिसोर्सेस ही मैंने बिल्कुल। ओ ये रहा, एक मिनट, यहाँ पे मॉब जा रहा है। मेरा फर्ज है मेरे विलेज को बचाना, और तू तो निकल ही जा यार, तेरे एरो तेरे ऊपर ही आ रहे हैं, पता है तेरे एरो तेरे ऊपर ही आ रहे हैं। ओके आ जा। क्या वो अबे यार इसको देखो खुद ही मार रहा है यार, अपने आप को खुद ही मार रहा है। ओके अब ये देख गया, दो बारी में गाइस। अबे यार अब तो क्रीपर मुझे मिल नहीं रहे, चलो क्रीपर नहीं मिल रहे तो मैं अपने स्केलेटन जो हैं 10 स्पॉन कर लेता हूँ। भाई आ जाओ मारो मुझे, जितना मार सकते हो मारो, आ जाओ। और एक दूसरे को मार रहे गाइस। अबे मैंने इनके बीच में ही लड़ाई पड़वा दी यार, एक दूसरे के ऊपर फाइट आ गई यार इनकी। ये ले, तू भी जा। ओके तुम भी जाओ और अब सारे जाओ। अबे यार दिस इज सो मच फन। ओ क्रीपर मिल गए यार, एक मिनट मुझे भागना है। अबे यार इनके साथ मुझे धमाका चाहिए था यार अपना, और मेरे पास मतलब कि टाइम आउट हो जाता है वो वैसे, और मुझे टाइम चाहिए होगा। एक मिनट, तेरी तो मैं निकल यहाँ से, निकल। एक और पड़ेगी तू जाएगा। गया। 30 टोकन मुझे मिली, और मैं एक्चुअली क्रीपर के हंट पर हूँ। ऑनेस्टली गाइज क्रीपर अगर मुझे मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाएगा। ओके तो नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज गेट माय हेल्थ अप। अबे यार तू जान है यार, मर यार यहाँ से। क्रीपर कहाँ पे है? क्रीपर, आई एम ऑन हंट फॉर क्रीपर यार। फिर जाके मैं एक्चुअली पिगमैन्स को स्पॉन करूँगा। वेट वेयर आर क्रीपर्स? ओ ये रहे, एक क्रीपर ये रहा, क्रीपर वो। अबे यार दिस वॉज टू अर्ली, आई एम रियली रियली सॉरी। चलो एक काम करते गाइस, अब पिगमैन्स को ही स्पॉन कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने ही मुझे मारा। इन जलील आदमियों ने मुझे मारा गाइस, इनके लिए एक लाइक तो बनता ही है क्योंकि मैं इन सबको ऐसे अपने अबे सारे के सारे पीछे पड़ गए मेरे। अबे सारे के सारे, एक मिनट सब रखो, मैं तुम्हें अपनी चुंच से मारता हूँ, मैं अपने नेल से मारता हूँ तुम्हें। अबे तुम्हारी तो जाओ, अब खत्म हो गए तुम, खत्म भाई। एक मिनट गाइस, आई वांट टच माय शील्ड। मुझे अबे कुछ भी नहीं हो रहा तुम्हारी तो। अबे मेरा बम भी नहीं चल रहा यार। अबे ये कैसा बम है, चल ही नहीं रहा। ओके लास्टली गाइस इसको भी मार लेते हैं यार। ओके तो गाइस ये बहुत ही मजा आया यार ब्लैक पैंथर खेलने में, मतलब कि एक मिनट, ये पता है गाइस, अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो ब्लैक पैंथर इज अ लिटिल बिट वीक इन टर्म्स ऑफ माइनक्राफ्ट। हाँ ऑब्वियसली असली में तो कुछ ज्यादा ही हुआ। एक मिनट, वो वहाँ पे एंडरमैन है, मुझे एंडरमैन को मारना है। एंडरमैन कहाँ गया भाई, मैंने अभी एंडरमैन को देखा था यार, और उसे पड़ी भी थी वो। अभी एंडरमैन कहाँ गया, अभी यहाँ पे एंडरमैन था यार। वेट गाइस यहाँ पे एंडरमैन था। तो गाइस स्मैश द लाइक बटन अगर आप चाहते हो कि मैं, ओ माय गॉड रेड पड़ गई है, क्या ये रेड पड़ गई है? वेट इज दिस अ रेड और समथिंग, ये क्या है भाई? अच्छा मकड़ी वाला स्केलेटन है, तुम्हारी तो मैं अपना भी ब्लास्ट करता हूँ। सबर रखो तुम। तो गाइज अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी वीडियो बनाऊँ एंडरमैन को मारने की, तो गाइज प्लीज स्मैश द लाइक बटन, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपका मार्वल का कौन सा सबसे फेवरेट हीरो है, ठीक है ना? तो मेरा तो भाई कैप्टन अमेरिका है, और आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा आपका कौन सा है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर, बाय बाय।